गुड द बैड इन द अगली एक स्पेगेटी वेस्टर्न मानी जाती है और वन ऑफ द बेस्ट स्पेगेटी वेस्टर्न मानी जाती है। स्पेगेटी वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न का एक सब जॉनर है, उस जमाने का जो अमेरिकन ओल्ड वेस्ट था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका की, जहाँ पे फ्रंटियर्स में उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े कमाल के आउटलॉज हुआ करते थे, बाउंटी हंटर्स हुआ करते थे, जिनके बारे में बड़े बड़े लेजेंड्स लिखे गए हैं, जो मिथ और फैक्ट को डिवाइड कर देते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो सबसे बड़े हीरो हैं, कुछ लोग उनको विलन मानते हैं, कुछ लोग उनको आउटलॉ कहते हैं, कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं। स्पेगेटी वेस्टर्न उन फिल्म्स पे लागू होता था जो यूरोप में बना करती थी मिड 1960s में, और मोस्टली इनकी शूटिंग होती थी स्पेनिश डेजर्ट में, और लोकल एक्टर्स यूज़ करती थी यूरोप में। कुछ अमेरिकन जाने माने एक्टर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड थे, क्लिंट ईस्टवुड, ली वैंकलीव, इलाई वोलाक जैसे, पर ज़्यादातर ये जो लोकल एक्टर्स हैं उनको ही यूज़ करती थी। इटली से, स्पेन से भी एक्टर्स यूज़ होते थे उनके हार्डन्ड फेसेस के लिए, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टच के लिए अक्सर यूज़ किया जाता था। पर अगर स्पेगेटी वेस्टर्न एज अ जॉनर की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी क्रेडिट जाता है सर्जी लियोनी और उनकी फिल्म अ फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स को। फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस सक्सेस और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से और भी इटालियन फिल्म मेकर्स आगे आए, या यूरोप में और जगह भी फिल्म मेकर्स आगे आए और उन्होंने इस तरह की वेस्टर्न बनानी शुरू करी, और यहाँ पर जो आइडियल्स थे उन आइडियल्स पे फ्लिप किया। अगर अमेरिकन ओल्ड वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कुछ मिथ्स होती थी, कुछ हीरो को लेके अंडरस्टैंडिंग होती थी, कुछ विलन को लेके अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो डार्क है और जो वाइट है वो बहुत क्लियरली दिख जाता था, हीरो गुड था और जो विलन था वो बैड था। पर इन वेस्टर्न्स ने थोड़ा सा उसको फ्लिप किया, अब गुड और बैड के बीच की लाइन जो थी वो फेड होने लगी और ग्रे का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क थीम्स और मोटिव्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, और हमें बहुत ही डार्कर कैरेक्टर्स हमें देखने लगे, इतने डार्क कैरेक्टर्स जो कभी हमने क्लासिक वेस्टर्न्स में ओल्ड वेस्ट के साथ कभी एसोसिएट ही नहीं करे थे। यहाँ पर हमें बैकस्टैबर्स दिखते हैं, यहाँ पे हमें ग्रीडी लोग दिखते हैं, यहाँ पे हमें रिवेंज सीकर्स दिखते हैं, यहाँ पे हमें हर तरह के वो कैरेक्टर्स दिखते हैं। गुड और बैड के बीच में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा है। तो ये कमाल की चीज़ है स्पेगेटी वेस्टर्न्स के बारे में। और स्पेगेटी वेस्टर्न की एक और खासियत है कि हालांकि ये सेट तो अमेरिकन सिविल वॉर या उससे थोड़ा सा पहले या उसके थोड़ा बाद ही होती थी, पर यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो स्पेगेटी वेस्टर्न्स अमेरिकन सिविल वॉर में सेट है, वहाँ पे वो यूनियन को अच्छी लाइट और कॉन्फेडरेसी को बुरी लाइट में नहीं दिखाती, यूजली क्लासिक वेस्टर्न्स में हमें देखने को मिलता था। पर ये जो वेस्टर्न्स हैं स्पेगेटी वेस्टर्न्स, ये दोनों को ही मॉरली एम्बिगस दिखाती हैं, क्योंकि ये मानती हैं कि जीतने वाला हमेशा हिस्ट्री ऐसे लिखता है कि अपने आप को अच्छी लाइट में दिखाता है। तो यूनियन को यूजली अच्छी लाइट में दिखाया जाता था और कॉन्फेडरेसी को हमेशा मीन लाइट में दिखाया जाता था, पर इन वेस्टर्न्स में अगर हम देखेंगे तो हमें दोनों ही यूनियन एज वेल एज कॉन्फेडरेसी दोनों मॉरली एम्बिगस दिखेंगे। एंजल आइज जिसका रोल प्ले कर रहे हैं ली वैंकलीफ, उनको पता चलता है कि एक बेशकीमती खजाना जो है वो उनको मिल सकता है, और उस खजाने तक पहुंचने के लिए वो लाशें बिछा देते हैं। चूको के सर पे इनाम होता है तो ब्लॉन्डी अक्सर उनको पकड़ के अरेस्ट करवा देते हैं, और अरेस्ट करवाने के बाद वही उनको छुड़वा भी देते हैं प्राइज मनी कलेक्ट करने के बाद। तो सबसे पहले $1,000 उनके सर पे इनाम होता है, फिर जब पहली बार छुड़वाते हैं तो $2,000 हो जाता है। ब्लॉन्डी को रियलाइज हो जाता है कि $3,000 से ज्यादा ये इनाम नहीं होने वाला, तो बीच रेगिस्तान में वो टूको को छोड़ देता है, प्राइज मनी भी डिवाइड नहीं करता, पूरा का पूरा $3,000 रख लेता है अपने पास और बोलता है कि तुम जैसा आदमी अगर हिम्मत करेगा तो पहुंच ही जाएगा शहर, जो कि यहां से 70 किलोमीटर दूर है। अब जो टूको है वो बदला लेना चाहता है, वो रेगिस्तान में उसको तपती धूप में 100 मील चलाता है पैदल, बिना किसी पानी के, बिना किसी छतरी के। बिल कार्सन वो बंदा है जो उस खजाने का राज जानता है जिसके पीछे एंजल आइज लगा है, और मरते मरते बिल कार्सन ब्लॉन्डी को बता जाता है वो खजाना कहाँ छुपा है। अब जब टूको को ये रियलाइज़ होता है कि ब्लॉन्डी को एक बहुत बड़े खजाने का राज पता है, तो वो मजबूर हो जाता है ब्लॉन्डी को बचाने के लिए। ब्लॉन्डी उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो, तुम ज़िंदगी में इस तरह से गरीबी नहीं देखना चाहते और अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। पर रास्ते में उनको एक ग्रे कपड़े पहने हुए आर्मी मिलती है, और उनको लगता है कि शायद वो भी हमारी तरह कॉन्फिडेंट है,
तो वो बड़े बड़े नारे लगाने लगते हैं कॉन्फेडरेट्स के फेवर में और यूनियन के खिलाफ। पता चलता है जो उनकी ड्रेस है वो एक्चुअली में ग्रे नहीं, वो ब्लू है, वो डस्ट की वजह से ग्रे लग रही थी, तो जब वो अपनी डस्ट झाड़ते हैं तो ब्लू कलर की ड्रेस हो जाती है। सर्जी लियोनी यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री करके बताना चाहते हैं कि बात ग्रे और ब्लू में नहीं है, फर्क ग्रे और ब्लू में नहीं है, यूनियन और कॉन्फेडरेसी में कोई फर्क नहीं है। यू आर गुड द बैड एंड द अगली प्रोबेबली ग्रेटेस्ट स्पैगेटी वेस्टर्न भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर हम इसको बाकी स्पैगेटी वेस्टर्न से कंपेयर करें। इसका जो नैरेटिव है, इसका जो प्लॉट है, इसकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसमें जो म्यूजिक यूज हुआ है, इसमें जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी यूज हुई है, जिसमें जिस तरह की एडिटिंग टेक्निक्स यूज करी हैं, सुपर क्लोजअप्स यूज किए हैं, पैन शॉट्स यूज किए हैं, वाइड एंगल शॉट्स यूज किए हैं, ये इस फिल्म को कमाल का बनाता है और सर्जी लियोनी की मास्टरपीस है अनडाउटेडली। ये परफॉर्मेंसेस के लिए भी जानी जाती है। क्लिंट ईस्टवुड का जो मैन विद नो नेम का जो कैरेक्टर है उसका ये एक ग्रैंड कंप्लीशन है। इसके बाद कभी भी क्लिंट ईस्टवुड ने लियोनी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है ये इमॉर्टलाइज हो गया। साथ ही साथ इलाय वलाक ने जो अगली का रोल प्ले किया है वो भी कमाल का है, बेमिसाल है, और अगर उस ज़माने में स्पेगेटी वेस्टर्न्स को इज्जत मिलती तो ज़रूर इलाय वलाक को एक ऑस्कर मिलता। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस है और बार बार उन्होंने अपनी जान भी दांव पे लगाई है, तकरीबन 2 या 3 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे। और ली वैन क्लीफ की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ली वैन क्लीफ के बारे में कहा जाता है कि जो उनकी गेज़ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो एक कागज़ में आग भी लगा सकती थी। अगर आप ली वैन क्लीफ को देखेंगे इस फिल्म में तो जो बैड का जो उन्होंने पोर्ट्रेयल किया, सच में उन्होंने पर्सोनिफाई किया है कि बैड क्या होता है, और बहुत ही कमाल का उनका स्क्रीन प्रेजेंस है। जो नेगेटिव स्पेस में ली मार्विन और ली वैन क्लीफ से ज़्यादा बड़े कैरेक्टर एक्टर्स आपको शायद ही देखने को कभी मिलेंगे। और गुड द बैड एंड द अगली आई थिंक प्रॉब्ली उनका बेस्ट वर्क है। हर बार जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक डर सा ज़रूर सताता है और आपको लगता है कि अरे इस बार कौन है उनका शिकार। गुड द बैड एंड द अगली एक बहुत ही महान स्पेगेटी वेस्टर्न है और आई थिंक आज के टाइम में सिर्फ इसको ग्रेट स्पेगेटी वेस्टर्न ही नहीं कहा जाता, एक ग्रेट वेस्टर्न में इसका शुमार है। इनफैक्ट अगर किसी भी जगह जाएंगे और ऑल टाइम ग्रेट वेस्टर्न की लिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें गुड द बैड एंड द अगली इनएविटेबली दिखेगी ही दिखेगी, इतनी ज़्यादा ग्रेट फिल्म है ये। अगर गुड द बैड एंड द अगली की बात की जाए और एनियो मोरिकोनी के कमाल के स्कोर की बात ना की जाए तो शायद कोई भी रिव्यू, कोई भी एनालिसिस अधूरा रह जाएगा। गुड द बैड एंड द अगली को गुड द बैड एंड द अगली की ब्रिलियंस जो है उसके साथ सिनोनिमस है ये फेमस बैकग्राउंड म्यूजिक। जब भी आप सुनते हैं आपके दिमाग में काउबॉय और वेस्टर्न अपने आप आ जाता है। ओवर द ईयर्स इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है और ये स्कोर एकदम कमाल का है, जैसे अलग अलग तरह से लेट मोटिव्स यूज़ किए हैं। गुड द बैड एंड द अगली की मेन थीम तो इतनी फेमस है ही और उसमें बेसिकली एक हाइना की आवाज़ को इमिटेट करने की कोशिश की है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया है। एक एनर्जी है जो इसे यादगार बनाती है और एक समा बांध देती है। जब जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है हम समझ जाते हैं कि मूवी एक अलग लेवल पर जाने वाली है। इसीलिए बैकग्राउंड स्कोर की इम्पोर्टेंस अगर हमें समझनी हो तो एनियो मोरिकोनी का म्यूज़िक और ख़ास तौर गुड द बैड एंड द अगली में उनका म्यूज़िक जो है उसको समझना चाहिए। इसमें एक और मेरी फेवरेट थीम है जिसके बारे में मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, उस थीम का नाम है एक्सटेसी ऑफ गोल्ड। जब टू को पहुँचता है ग्रेव में और अब उसको पता है कि खजाना आसपास है और एक कमाल का बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है और जब वो पूरा उसका चक्कर ले रहा है और वो बौखलाया हुआ है कि कौन सी वो ग्रेव है, तो एक्सटेसी ऑफ गोल्ड जब बैकग्राउंड में प्ले होता है तो आप अपनी इमोशंस को, आप एक थ्रिल और एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते और पूरी की पूरी आपकी बॉडी इसके साथ इसके गिरफ्त में आ जाती है। और ब्रिज ब्लो करने का जो सीन है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई। एक्चुअली में ये आर्मी ने ब्रिज बिल्ड किया था और जब पहली बार ब्रिज ब्लो होता है तो जो कैमरा पर्सन है किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कैमरा रोल करना भूल जाते हैं तो पूरा ब्रिज ब्लो हो जाता है पर वो कैमरे पर कैप्चर नहीं होता। सर्जी लियोनी बहुत नाराज होते हैं और उस कैमरा पर्सन को फायर कर देते हैं, पर जो आर्मी वाले हैं वो बोलते हैं कि आप इसको फायर मत कीजिए, आप इसको दोबारा रख लीजिए और हम ये ब्रिज आपके लिए दोबारा बना देंगे। वो ब्रिज दोबारा बनाया जाता है और वो ब्रिज दोबारा ब्लो किया जाता है और इस बार वो कैमरे पे कैप्चर होता है और बहुत ही इंप्रेसिव सीन हैं, इंप्रेसिव विजुअल्स हैं और जब आपको पता चलता है कि एक रियल ब्रिज है तो उसको और ज़्यादा एलिवेट कर देता है, इस फिल्म को खास बनाता है। क्वेंटिन टारांटिनो कहते हैं कि एक वो मोमेंट है जो इसको एक मैजिकल लेवल पर लिफ्ट कर देता है। इसको जो पूरे सीक्वेंस को बिल्ड करते हैं, जो टेंशन है इस सीक्वेंस में, वो आपकी
सांसें रोक देती है। अगर आप अमेरिकन सिविल वॉर को समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रॉम 1861 टू 1865 अमेरिका दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड हो गया था। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे अमेरिका के वो द यूनियन का पार्ट थे और जो सदर्न स्टेट्स थे वो द कन्फेडरेसी का पार्ट थे। और कन्फेडरेसी और यूनियन के बीच में 4 साल ये सिविल वॉर चली है। बहुत सारे इश्यूज थे डिफरेंसेस के नॉर्थ और साउथ के बीच में या यूनियन या कन्फेडरेसी के बीच में। और सबसे बड़ा जो रीज़न था जो इन लोगों को इस लड़ाई के लिए मजबूर कर रहा था वो था स्लेवरी। सदर्न स्टेट जो थे वो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, स्लेवरी उनकी फाउंडेशन थी। कॉटन प्लांटेशन में जो स्लेवरी का जो ट्रेडिशन था वो सालों से चला आ रहा था और नॉर्थ के लोग इसको अबॉलिश करना चाहते थे। और अब्राहम लिंकन जो यूनियन के प्रेसिडेंट जब बनते हैं वो, तो एक सिविल वॉर चलती है और 4 साल तक चलती है और इसका एंड होता है यूनियन की जीत में, कॉन्फेडरेसी के हार में, और एंड में स्लेवरी अबॉलिश हो जाती है। पेगेटी वेस्टर्न्स को अगर हम स्टडी करें तो हमें बहुत ज़्यादा नेटिव अमेरिकन या उनसे जुड़ी जो स्टोरीज हैं वो देखने को नहीं मिलती। फोकस ज़्यादातर बाउंटी हंटर्स आउटलॉस पर ही होता है और उस तरह के एरियाज में ये डेवलप करती है। पर अगर स्पेगेटी वेस्टर्न के ग्रेट फिल्म मेकर्स की बात करें तो सर्जियो लियोनी के साथ एक और नाम यहाँ पे जाता है, वो है सर्जियो कॉर्बुची का, जिन्होंने भी बहुत कमाल कमाल की वेस्टर्न्स बनाई जिनमें शामिल है उनकी मास्टरपीस द ग्रेट साइलेंस, साथ ही साथ जेंगो जिसको कि रीबूट किया था क्वेंटिन टैरेंटिनो ने जेंगो अनचेन्ड के नाम से। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर्जियो कॉर्बुची की वेस्टर्न्स और भी ज़्यादा डार्क और ब्लडी स्पेस में होती थी। हालांकि लियोनी का भी जो स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई वायलेंस माना जाता है, लेकिन कॉर्बुची का स्टाइल और ज़्यादा ओवर द टॉप और एग्जैजरेटेड था और अक्सर कहानियाँ ज़्यादा डार्क होती थी। तो क्वेंटिन टैरेंटिनो ने दोनों से इंस्पिरेशन ली है, उनकी फिल्म्स में हमें सर्जियो लियोनी का असर भी दिखता है और साथ ही साथ सर्जियो कॉर्बुची का असर भी दिखता है। और ये दोनों फिल्म मेकर्स ने वेस्टर्न को ना ही सिर्फ फ्लिप किया बल्कि वेस्टर्न को रिवाइव भी किया। ये हमें समझना होगा 60s आते आते वेस्टर्न जो जॉनरा था, जो अमेरिका का सबसे ज़्यादा फेवरेट जॉनरा है और जो अमेरिका का ही क्रिएटेड जॉनरा है, वो धीरे धीरे इट वाज डाइंग अ स्लो डेथ, क्योंकि वो जॉनरा जो था अब इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा चुका था कि उसमें अब कुछ नया करने को नहीं था। और ओवर द ईयर्स लोगों के अंदर सिनिसिज्म आ रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा ये डार्कर थीम्स जब स्पेगेटी वेस्टर्न्स लेके आई तो इसने कहीं ना कहीं वेस्टर्न जॉनरा को रिवाइव किया। हालांकि जब ये स्पेगेटी वेस्टर्न्स आई तो जो अमेरिकन्स थे वो इसका मजाक उड़ाया करते थे। स्पेगेटी वर्ड भी डेरोगेटरी टर्म में यूज होता था कि मतलब स्टैंडर्ड जिस भी वेस्टर्न का उतना नहीं है, क्योंकि ये लो बजट फिल्म्स हुआ करती थी, हॉलीवुड के बजट को कम्पीट नहीं कर पाती थी। तो ये स्पेगेटी टर्म एक चीप वेस्टर्न है ये दिखाने के लिए यूज होता था। पर कमाल की बात यह है कि स्पेगेटी वेस्टर्न ने वेस्टर्न जॉनरा को मरने से बचा लिया और स्पेगेटी वेस्टर्न्स की वजह से ही रिविजनिस वेस्टर्न का जन्म हुआ। और रिविजनिस वेस्टर्न्स की अगर आप बात करें तो सैम पेकिनपा की द वाइल्ड बंच हमें याद आती है या पैट गैरेट बिली द किड याद आती है और इस तरह की बहुत कमाल कमाल की फिल्में आगे जाके क्लिंट ईस्टवुड ने भी बनाई। तो ये सारी जो रिविजनिस वेस्टर्न्स हैं समवेयर ये पॉसिबल इसीलिए हुई क्योंकि सर्जियो लियोनी, कॉर्बुची और बाकी बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने स्पेगेटी वेस्टर्न को एक अलग पहचान दी और उस पहचान की वजह से वेस्टर्न जॉनरा जो मर रहा था या मरने की कगार पे था उसको दोबारा एक नया जन्म मिला रिविजनिस वेस्टर्न्स के फॉर्म में।